आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। आज मैं आपके लिए लाया हूँ शब्द को। वर्ड ऑफ द डे है केवल को, जरा सा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा जरा सा शब्द लाया हूँ को। इसकी पहली अंग्रेजी है टू, ज्यादातर इसी का प्रयोग होता है। यह उसको दे दो, ये मार्कर इसे दे दो, गिव दिस मार्कर टू हिम, ये मार्कर उसको दे दो, गिव इट टू हिम ये उसे दे दो, गिव इट टू हर कोई लड़की है तो ये उस लड़की को दे दो, गिव इट टू राम राम को दे दो, गिव इट टू घनश्याम घनश्याम को दे दो, गिव इट टू मी मुझे दे दो भाई, गिव इट टू देम उन्हें दे दो, गिव इट टू यू आई गिव इट टू यू मैं तुम्हें देता हूं, मैं जाने को तैयार हूं आई एम रेडी टू गो, मैं जाने को तैयार हूं, मैं जाने को तैयार था आई वॉज रेडी टू गो, आई विल बी रेडी टू गो मैं जाने को तैयार हो जाऊंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो जब हम जोड़ते हैं किसी जगह से चलते हैं और जब किसी जगह को जाते हैं तो टू का प्रयोग होगा, और जब वहां से वापस आएंगे तो फ्रॉम का प्रयोग होगा, क्योंकि अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। मैं दिल्ली जा रहा हूं आई एम गोइंग टू दिल्ली, किसी भी जगह चले जाओ, दिल्ली बनारस कैलकटा कहीं भी चले जाओ टू ही लगेगा, जोड़ता है ये सब टू। शाम को इन द इवनिंग, शाम को सुबह को इन द मॉर्निंग, 5 अगस्त को ऑन द 5th of August, इस तरीके से बोला जाएगा महीने के साथ ऑन लगेगा। इन द इवनिंग सुबह शाम के लिए, इवनिंग मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग लगेगा, रात को एट नाइट एट लगेगा, दोपहर को एट नून, सोमवार को ऑन लगेगा, ऑन मंडे कोई भी दिन हो, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि कुछ भी हो, घूमने को चले भाई कहीं घूमने को चलो, कम फॉर ए वॉक। कल को टुमारो, आई विल गो देयर टुमारो मैं कल जाऊंगा। अब देखें इन द फ्यूचर भी इसकी अंग्रेजी होती है कल की, कल की अंग्रेजी इन द फ्यूचर, डू नॉट रिपीट इट इन द फ्यूचर, कभी भविष्य में ऐसा मत करना, कल को ऐसा मत करना, भविष्य में ऐसा मत करना, इन द फ्यूचर का अर्थ है भविष्य में। अब देखें मेरे पापा को अंग्रेजी आती है, माय फादर कैन स्पीक इंग्लिश, माय मदर कैन स्पीक इंग्लिश, माय एल्डर ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझको अंग्रेजी आती है, इस तरीके से बोलेंगे। मैंने तुझको दिल दिया, अब दिल कोई लेने देने की चीज नहीं है, कहते हैं दिल दिया दिल लिया, दिल कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी को दिया जा सके, किसी के प्यार में पड़ने को कहते हैं, लेकिन मैंने इसकी सबसे अच्छी अंग्रेजी बनाई है, आई गेव माई हार्ट टू यू, मैंने तुझको दिल दिया, क्योंकि गाने में बहुत ज्यादा आता है जो फिल्मी गीत होते हैं उसमें तुझको दिल दिया तुझसे दिल लिया, आई गेव माई हार्ट टू यू मैंने तुझको दिल दिया। किसी को तुच्छ समझना, टू लुक डाउन अपॉन समवन, किसी को घृणा की नीची दृष्टि से देखना, टू लुक डाउन अपॉन समवन, और किसी को तुच्छ समझना, टू अंडर एस्टिमेट समवन, इस तरीके से अंग्रेजी आती है। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।